उज्जैन में अपराधियों की फिर बढ़ रही आपराधिक हरकतें। दरअसल उज्जैन में सिप्रा नदी के पास दो युवकों को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। जिस पीड़ित को हमलावरों ने पीटा है उनका कनेक्शन दुर्लभ गैंग से भी बताया जा रहा है। एक पीड़ित युवक को घायल किया तो दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा और युवक की बाइक भी नदी में फेंक दी। और ये झगड़ा मकान पर कब्जे को लेकर है। घटना रविवार की बताई जा रही है। इसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। और जिस तरह वीडियो में देखा जा सकता है कि इन अपराधियों ने किस तरह घटना को अंजाम दिया है, इस वीडियो के आधार पर पुलिस इन सभी आरोपियों का जुलूस भी निकालेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप का खास दोस्त कहे जाने वाला हेमंत वाड़िया जो कुछ दिन पहले पेशी पर आया था, अब कोर्ट ने जिला अस्पताल में हुई हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दुर्लभ गैंग के 2 बदमाशों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिनमें से एक हेमंत वाड़िया भी है। ये वही जिला अस्पताल मर्डर है जिसमें दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाड़िया ने मिलकर एक काना नाम के लड़के का हत्या कर दिया था। इस केस में दुर्लभ भी आरोपी था पर उसकी 2020 में हत्या हो गई थी। फिलहाल दोस्तों जल्द ही पुलिस उन आरोपियों की जुलूस निकालने वाली है ताकि ऐसे आपराधिक हरकतें कोई न कर सके। और आपको भी यही बोलेंगे कि आपराधिक तरफ कदम न बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।